बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है? तो बच्चों, डिफ्यूजन में कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ठीक है बच्चों, जहां पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां से वो कोई भी पार्टिकल मूव करता है। और कहां पहुंचता है बच्चों? जहां पे उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपकी मम्मी पूजा वाले रूम में अगरबत्ती जलाती है तो आप लोगों को स्मेल आपके लिविंग रूम या फिर स्टडी रूम तक आता है। क्यों आता है बच्चों लिविंग रूम या फिर स्टडी रूम तक स्मेल? क्योंकि आपके स्टडी रूम या फिर लिविंग रूम में स्मेल नहीं है, ठीक है बच्चों, वहां पे अगरबत्ती नहीं जला, वहां पे स्मेल नहीं है। लेकिन पूजा वाले रूम में स्मेल ज्यादा है बच्चों, तो क्या करेगा? स्मेल भागेगा, स्मेल आप जहां पे कम है वहां पे तुरंत भागेगा। और इसलिए आप लोगों को स्टडी वाले रूम में स्मेल उसका अगरबत्ती का स्मेल आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लो जब पड़ोस वाले घर में नॉनवेज बनता रहता है बच्चों, तो हम लोग कहते हैं ना, आर नॉनवेज की आज खुशबू आ रही है। तो क्यों कहते हैं बच्चों नॉनवेज की खुशबू आ रही है? क्योंकि जहां पे नॉनवेज बन रहा है वहां पे उसकी खुशबू ज्यादा अमाउंट में है और आपके फ्लैट में उसकी खुशबू कम अमाउंट में है। तो वो खुशबू जो होगी वो ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ भागेगी। दैट मीन्स वो जो गैसेज होगा, जो भी खाना का पार्टिकल बन रहा है उसका जो भी गैसेज होगा, वो मतलब जहां पे ज्यादा अमाउंट में रहेगा वहां से वो कम अमाउंट की तरफ भागेगा। कम क्वांटिटी जहां पे है उसकी, वो वहां पे तुरंत जाकर के अपना गैसेस ऑक्यूपाई कर लेगा अपने जगह को। दैट मींस कि आपके फ्लैट में कम खुशबू आ रही थी, तो मतलब खुशबू ही नहीं थी, आपके फ्लैट में नॉनवेज नहीं बन रहा था, लेकिन जहां पे बन रहा था वहां से उसकी खुशबू आपके फ्लैट तक पहुंच गई, ठीक है बच्चों। तो डिफ्यूजन यही होता है, जहां पे जिस पार्टिकल का अमाउंट ज्यादा होगा वो वहां से एयर में डिफ्यूज करके या फिर जिस चीज में भी डिफ्यूजन होगा उसका, वो घुल जाएगा और घुल करके वो जहां पे उसका अमाउंट कम होगा वहां पर वो पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। और डिफ्यूजन में किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं होता बच्चों, किसी भी सेल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है। वाटर में आप इंक डालो ऊपर वाले पोर्शन में और देखते हो पूरा इंक फैल जाता है, अंदर तक पूरा फैल जाता है। तो अंदर तक फैलने का मतलब क्या है बच्चों? वो पूरा डिफ्यूज कर गया। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है बच्चों फैल जाना, घुल जाना, ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन मतलब फैल जाना। तो इंक को आप ऊपर में डालो और पूरा इंक देखोगे अंदर तक पूरा फैल गया। तो क्या हुआ बच्चों? अंदर में उसका अमाउंट कम था और ऊपर में उसका अमाउंट हम लोग डाले तो ज्यादा था, तो वो जहां पे ज्यादा था वहां से वो कम की तरफ भागेगा, ठीक है बच्चों, कम की तरफ रश करेगा। तो दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ये कहीं भी हो सकता है डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ SPM। SPM क्या है बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो कि आपका आपके स्कूल का गार्ड है, ठीक है बच्चों। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन की थ्रू। और बच्चों फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, वही कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हो गया अमाउंट, ठीक है। वाटर का अमाउंट जहां पे ज्यादा होगा वो वहां से कम की तरफ भागेगा, बट बच्चों बीच में सेल मेम्ब्रेन होना ही चाहिए, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके वाटर का अमाउंट जहां पे ज्यादा होगा वहां से वो कम की तरफ जाएगा। ये चीज बच्चों हमेशा याद रखना, थ्रू और SPM, मतलब वो एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही चाहिए। सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस किया तो ऑस्मोसिस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही वाटर जहां पे ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन तो मैं आपको समझा दी, अमाउंट हुआ, बट सॉल्यूशन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जैसे आप लोग शरबत बनाते हो बच्चों, तो शरबत में क्या करते हो? पानी में चीनी को घोलते हो या फिर पानी में शुगर को घोलते हो, पानी में सॉल्ट को घोलते हो, ठीक है बच्चों। पानी में सॉल्ट घोले या फिर शुगर घोले, तो लेकिन शरबत में तो हम लोग शुगर ही घोलते हैं, तो पानी में बच्चों हम लोग शुगर को घोले। तो सॉल्यूशन जो बनेगा बच्चों ऑस्मोसिस में, ऐसे आप लोग किसी भी लिक्विड में आप लोग किसी भी सॉलिड को घोलो तो वो एक सॉल्यूशन तैयार करता है, ठीक है, अगर वो घोल गया तो। जैसे पानी में आप इंक को घोले तो वो भी एक सॉल्यूशन तैयार किया, है ना बच्चों, वो भी एक सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूट हम लोग का शुगर है, ठीक है बच्चों, कोई सॉलिड पार्टिकल है सॉल्यूट, ठीक है। तो जब हम लोगों का कोई सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल है, जैसे शुगर मान लेते हैं सॉल्यूट है, तो वो आपको बच्चों
सॉल्यूट घुलेगा किसमें? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में हमारा शुगर घुला, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यही समझना है कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा वहां पे एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है बच्चों। सॉल्यूट को घुलना होगा सॉल्वेंट में, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूट को हम लोग ऐड करेंगे, सॉल्यूट को मिलाएंगे, जैसे शुगर है या फिर सॉल्ट है, इसको हम लोग सॉल्वेंट वाटर में मिलाएंगे। और ऑस्मोसिस हो रहा है तो सॉल्वेंट क्या रहेगा? वाटर ही रहेगा, क्योंकि हम लोग वाटर में ही मिलाएंगे, है ना बच्चों। सॉल्वेंट क्या रहेगा? सिर्फ वाटर रहेगा, वाटर में ही हम लोगों को ऐड करना है, क्योंकि हम लोग ऑस्मोसिस कर रहे हैं। तो ऑस्मोसिस जब भी होगा तो वाटर में या तो सॉल्यूट में शुगर होगा या तो सॉल्ट होगा। तो सॉल्यूट को हो गया, सॉल्यूट ऐसे याद रखना बच्चों, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन का मतलब ये होगा को प्लस में, ठीक है। को ऐड करना है में में, ठीक है। मीन सॉल्यूट को ऐड करना है, सॉल्वेंट में ऐड करना है। सॉल्वेंट क्या है बच्चों? कोई भी लिक्विड मटेरियल, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वाटर रहेगा हमारा सॉल्वेंट। वाटर में हम लोग या तो शुगर ऐड करेंगे या तो सॉल्ट ऐड करेंगे, कोई भी सॉलिड पार्टिकल ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हो ना, शुगर जो सॉलिड होता है ना, शुगर छोटे छोटे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं। सॉल्ट भी आप लोगों के पास तो पाउडर्ड फॉर्म में आता है, लेकिन वो भी थोड़ा सैंडी लगता है कि नहीं? थोड़ा जब टच करोगे तो वो भी सैंडी लगता है, दैट मीन्स वो भी सॉलिड ही है। तो हम लोग सॉलिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग शुगर या फिर सॉल्ट किसी भी चीज को वाटर में ऐड करेंगे, तो हम लोग एक सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं। अब बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा, कितने तरह का सॉल्यूशन होता है? तो पहले बच्चों हम लोग हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। हाइपरटॉनिक क्या होता है बच्चों? हाइपर मींस क्या हुआ? हाइपरटेंशन किसी को हो जाता है, मींस क्या कहते हो? हाइपरटेंशन है इस आदमी को, मींस उसको ज्यादा टेंशन है, है ना बच्चों। किसी को ज्यादा टेंशन है, बहुत सारा घर गृहस्थी सब कुछ देखना है, तो वो बच्चों उसको हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है ना बच्चों। आप लोगों को भी कभी कभी पढ़ाई को लेकर के हाइपरटेंशन हो जाता होगा, या फिर कोई बच्चों बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो कहते हैं ना बाप रे कितना हाइपर केस है। दैट मीन्स वॉट? कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा, दैट मीन्स ज्यादा मीन्स हाइपर हो गया बच्चों, और कम मीन्स हाइपो हो गया, हाइपोटेंशन, इसको कम टेंशन है ना बच्चों। तो हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, याद रखना है, इससे याद रहेगा आप लोगों को, है ना बच्चों। हाइपरटेंशन से याद रखना, हाइपरटेंशन तो उस आदमी को होता है जिसको ज्यादा टेंशन होता है, तो दैट मीन्स हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम। अब ये ज्यादा और कम किसके रिलेशन में है बच्चों? क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा यहाँ पे, है ना बच्चों? यहाँ क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा? तो बच्चों देखो, जब यहाँ पे ये रेड में जो भी देख रहे हो आप लोग, ये शुगर है, और जो भी आप लोग ब्लू में देख रहे हो, सॉरी जो भी आप लोग ब्लू में देख रहे हो, ये क्या है? वाटर है, ठीक है बच्चों। जो भी ब्लू में दिख रहा है ये वाटर है, और जो भी रेड में देख रहे हो ये शुगर है। तो ये जो बच्चों आप लोग रेड वाला पार्टिकल्स देख रहे हो ये शुगर है। यहाँ इस वाले बीकर में आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये बीकर है मान लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हो ना, जाते हो लैब, तो वहां पे बीकर देखते हो, ये बीकर होगा, तो ये बीकर है मान लेते हैं, या फिर कोई भी बर्तन है मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोई भी यूटेंसिल है, कोई भी बर्तन है। तो हाइपरटॉनिक के केस में आप लोग देख रहे हो शुगर कितना ज्यादा है, देख रहे हो ना बच्चों शुगर कितना ज्यादा है, लेकिन वाटर देख रहे हो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 वाटर है, लेकिन शुगर पूरा दिख रहा है हम लोगों को, शुगर से ये बर्तन लबालब दिख रहा है, लेकिन वाटर हम लोग सिर्फ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ही वाटर है। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे शुगर ज्यादा है, मीन्स हाइपर है, ये सॉल्यूशन हाइपर है, दैट मीन्स यहाँ पे शुगर ज्यादा है तो हाइपर है। यहाँ पे शुगर बच्चों हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मात्र 5 शुगर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वाटर पूरा भरा भरा दिख रहा है, ठीक है बच्चों। वाटर इस बर्तन में पूरा भरा भरा दिख रहा है, लेकिन शुगर सिर्फ हम लोग को 1 2 3 4 5 ही शुगर दिख रहा है, दैट मीन्स इसमें शुगर कम है, दैट मीन्स ये हाइपो है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे शुगर कम है, दैट मीन्स हाइपो है, यहाँ पे शुगर ज्यादा है, दैट मीन्स हाइपर है, ठीक है बच्चों, समझ गए? हाइपर क्या हुआ? शुगर ज्यादा है। हाइपो क्या हुआ? शुगर कम है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये एक नॉर्मल सेल है बच्चों, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा सेल है, सेल का साइज आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों क्या होता है, अब ऐसे समझो कि आपके प्लेट में किसी दिन मान लेते हैं मम्मी ने किसी दिन मतलब नाश्ते में, शाम का जो नाश्ता होता है उसमें अक्सर हम लोग मैगी खाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके प्लेट में किसी दिन मम्मी ने
ज्यादा मैगी दे दिया, ठीक है, या फिर किसी दिन कम मैगी दिया, पहले कम से स्टार्ट करते हैं। तो आपके प्लेट में मम्मी ने किसी दिन कम मैगी दे दिया, ठीक है बच्चों, और आपके भैया के प्लेट में ज्यादा मैगी दे दिया, तो आप क्या करोगे बच्चों, 2 चम्मच मैगी अपने भैया के प्लेट से निकाल के अपने प्लेट में रख लोगे। दैट मीन्स आपने क्या किया, और फिर आप खुश हो जाओगे कि मैंने आज भैया की प्लेट में ज्यादा मैगी, तो थोड़ा सा मैगी अपने में ले लिया, आप खुश हो जाओगे। ऐसे ही बच्चों सेल भी करता है। सेल यहाँ पे देखा, ये वाले बीकर में सेल ने देखा, जब इस वाले बीकर में हम लोग सेल को डालें, ठीक है बच्चों, जब इस वाले बर्तन में जब सेल को डालेंगे, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें शुगर कम है और पानी बहुत ज्यादा है, पानी तो पूरा भरा भरा है। तो जब इस वाले मतलब बर्तन में जब हम लोग सेल को डालेंगे बच्चों, तो सेल क्या करेगा, ये वाले बर्तन में पानी ले लेगा, क्योंकि इसके पास पानी ज्यादा है, ये देख रहा है इस बर्तन में तो यार पानी ज्यादा है, थोड़ा सा पानी अपने में ले लो, तो ये पानी को अपने में ले लेगा, और ले करके ये भी खुश होकर के पूरा फूल जाएगा। आप लोग जैसे खुशी से फूल जाते हो ना कि ये आज भैया से मैंने 2 चम्मच मांगी अपने प्लेट में ले लिया, तो आप लोग भी खुशी होकर फूल जाते हो, ये भी खुशी होकर के फूल जाएगा, ठीक है बच्चों, की मैंने भी इस बर्तन से पानी अपने में ले लिया क्योंकि इसके पास पानी ज्यादा था। अब बच्चों मान लेते किसी दिन आपकी मम्मी ने आपके प्लेट में मैगी कम दिया, आज आपका टेस्ट करना है, ठीक है मम्मी को, कि आज आप देखते हैं क्या करते हो, तो आपके प्लेट में मैगी कम दिया और आपके भैया के प्लेट में मैगी आज ज्यादा वो दे दी, ठीक है बच्चों, आपके भैया के प्लेट में आज ज्यादा दे दी, तो आज आप क्या करोगे, आज आप वहां से ले लोगे मैगी, है ना, वहां से आप लोग ले लोगे, और टेस्ट करने के लिए आपकी मम्मी ने क्या किया बच्चों, कि मैगी आपके प्लेट में आज ज्यादा दे दिया और भैया के प्लेट में कम दिया, है ना बच्चों, आपके प्लेट में मैगी ज्यादा दिया, भैया के प्लेट में कम दिया, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ठीक है चलो यार आज 2 चम्मच मैगी भैया के प्लेट में दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया के प्लेट में कम है मैगी, ठीक है बच्चों, तो आप क्या किए, अपने प्लेट से 2 चम्मच मैगी निकाले और भैया के प्लेट में दे दिए। तो बच्चों आज आप क्या किए, आज आप थोड़े से सिकुड़ गए, थोड़ा सा मुंह आपका छोटा हो गया, या थोड़ा 2 चम्मच मैगी भैया के प्लेट में देना पड़ गया। तो बच्चों इसी तरीके से सेल भी करेगा। सेल क्या करेगा, जब इस वाले बर्तन में हम लोग सेल को डालेंगे, तो सेल अपना सेल में वाटर जो भी यहाँ पे वाटर सिर्फ वो साफ देख रहा है, थोड़ा सा ही इसमें वाटर है, तो सेल क्या करेगा अपना वाटर इसको दे देगा, है ना बच्चों, इसको अपना वाटर दे करके ये छोटा सा श्रिंक हो जाएगा, ये भी इसका भी मुंह एकदम छोटा सा हो जाएगा, जैसे आपका मुंह छोटा सा हो जाता ना कि यार आज 2 चम्मच मैगी भैया को देना पड़ा, भैया के प्लेट में कम था ना, तो इसी तरीके से बच्चों इस सेल को भी दया आ जाता है, जब इस सेल को इस वाले बर्तन में डालेंगे ना, तो इस सेल को भी दया आ जाएगा, यार ठीक है थोड़ा सा पानी इसको दे देते हैं, तो जब ये अपना पानी दे देगा इसको, तो ये भी एकदम छोटा सा हो जाएगा, ये भी श्रिंक कर जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जब आपको मैगी क्या करना पड़ा बच्चों, जब आपको मैगी खुद लेना पड़ा, तो आप खुशी से फूल गए, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेल को जब इस वाले बर्तन में डालेंगे, हाइपोटोनिक वाले बर्तन में, तो सेल खुशी से फूल जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि इसके अंदर पानी गया है। तो बच्चों सेल तो सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब भी पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ही थ्रू मूवमेंट करेगा, ठीक है बच्चों, या तो इस वाले केस में पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उससे पानी इस बर्तन में जाएगा, और इस वाले बर्तन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी सेल में अंदर आएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ रहे हो, बस आपके प्लेट के मैगी की ही तरह वैसे ही समझ लेना, ठीक है। तो इसमें यही होगा बच्चों कि इसमें जब सेल को रखेंगे इस वाले बर्तन में, तो ये सेल क्या करेगा, इससे पानी पूरा ले लेगा, क्योंकि इस बर्तन में बहुत सारा पानी है, तो ये ले करके खुशी से फूल जाएगा, और इस वाले बर्तन में पानी कम है, इस वाले बर्तन में पानी कम है, तो ये अपना पानी लूज कर देगा, अपना पानी इसको दया से दे देगा कि चलो यार दया थोड़ा सा कर देते हैं, इसको थोड़ा पानी दे देते हैं, तो ये अपना पानी इसको दे दिया, दे करके ये छोटा सा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये एक नॉर्मल सेल है। अब बच्चों देखो जिस बीकर में, अब इसको एक ऐसे बीकर में डाल देंगे जिसमें कि मतलब पानी अब इसको ना ही लूज करना है ना ही गेन करना है, ठीक है, जब मान लो मैगी आपके प्लेट में और भैया के प्लेट में दोनों में सेम हो, ठीक है बच्चों, सेम मैगी हो, सेम अमाउंट ऑफ मैगी हो, आपके भी प्लेट में मम्मी ने आज उतना ही मैगी दिया जितना भैया के प्लेट में दिया, तब आप क्या करोगे, ना ही भैया को दोगे और ना ही भैया से लोगे, उस केस में
कोई लेन देन नहीं होगा, तो उसमें आप नॉर्मल रहोगे, ठीक है, उसमें आप नॉर्मल रहोगे, ना ही आप खुशी से फूलोगे, ना ही आपका मुंह छोटा होगा, तो उसमें आप नॉर्मल रहोगे। ऐसे ही बच्चों, ये हमारा नॉर्मल सेल भी करता है, मतलब ये वाली जब सेल को, जब नॉर्मल सेल है, जब इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देंगे, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। अब बच्चों हम लोग हाइपरटॉनिक तो पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक में क्या होगा बच्चों, आइसोटॉनिक में क्या होगा, जब इसको पानी ना ही लूज करवा रहे, मतलब इसमें सेल में जितना पानी है उतना ही पानी इस बीकर में भी रहेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो बीकर बना इसमें भी उतना ही पानी रहा जितना इस सेल में पानी है, ठीक है बच्चों, इस बीकर में भी उतना ही पानी रहा जितना इस सेल में पानी है, तो ना ही इसको लूज करना है, ना ही इसको गेन करना है पानी को, है ना, तो ना ही ये दुखी होगा, ना ही ये खुश होगा, है ना बच्चों, ये नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जैसे कि आपके प्लेट में भी मैगी रहे सेम, और भैया के भी प्लेट में रहे, तो दोनों में सेम अमाउंट है, दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो ना ही आपको दुख होगा, ना ही आपको खुशी होगा, तो आप लोग आप नॉर्मल रहोगे, ठीक है बच्चों। तो इस वाले कंडीशन में ना ही कोई लेन देन नहीं होगा, ना ही ये पानी अंदर आएगा, ना ही पानी बाहर जाएगा। बट इस वाले कंडीशन में क्या होगा बच्चों, हाइपोटॉनिक कंडीशन में पानी सेल के अंदर आएगा, क्योंकि पानी इस बर्तन में ज्यादा है तो पानी सेल के अंदर आएगा। इस वाले कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पानी सेल में, पानी सेल में मतलब पानी इस बर्तन में क्या है, पानी इस बर्तन में कम है, तो सेल अपना पानी इसको दे देगा, ठीक है, इसको दया आ जाएगा सेल को, और सेल अपना पानी इस बर्तन में दे देगा। तो बच्चों यही है ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेल श्रिंक कर गया, यहाँ पे सेल स्वेल कर गया, यहाँ पे सेल नॉर्मल रहा। तो बच्चों आप लोगों को यही चीज समझना है, ठीक है, और आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, और भी बाकी सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज बच्चों, और समझ भी आ रहा हो तो बच्चों प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, और प्लीज बच्चों कमेंट भी करें, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।